हेलो दोस्तों, आईटी स्मार्टिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मंगेश। चलो ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको नया टेक्निकल वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों चलो देखते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट व्हाट्सएप अकाउंट फ्रॉम हैकर्स, हैकर्स से अपना व्हाट्सएप अकाउंट कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो देखते हैं। ये मेरा आर्टिकल है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल्स है, ठीक है। तो चलो मोबाइल पे चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या ट्रिक्स है। तो दोस्तों पहला ट्रिक्स है व्हाट्सएप ओपन करते पहले, ये देखो पहला ट्रिक्स है व्हाट्सएप लॉक होना चाहिए, स्क्रीन लॉक होना चाहिए। तो कोई भी आपका मोबाइल लेने के बाद ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ओपन नहीं होना चाहिए, तो आपके मैसेज सेफ रहेंगे, आपका डाटा सेफ रहेंगे व्हाट्सएप का। इसके लिए लॉक करने के लिए आप ऐप लॉक ऐप भी यूज़ कर सकते हो। आपके मोबाइल में कुछ सेटिंग रहेगा या एंटीवायरस रहेगा तो आप वहाँ से भी करा सकते हो। ये देखो ऐप लॉक मेरे इनबिल्ट ऑप्शन है या माई का फ़ोन में ऐप लॉक, ये देखो ठीक है। यहाँ से अनेबल करने के बाद व्हाट्सएप को ये सिक्योरिटी अनेबल हो गया, ठीक है। तो ये देखो ये सबसे पहला ट्रिक्स है, ठीक है। तो ऐसे आप उसको लॉक करा सकते हो। उसके बाद दोस्तों जाना है ये तीन डॉट है राइट साइड में, उस पर क्लिक करना है व्हाट्सएप वेब। तो यहाँ से देख सकते हो लास्ट एक्टिव, मतलब ये डेस्कटॉप पे लॉग आउट है, लॉग ऑन है, तो यहाँ से आपको लॉग आउट करना है। आपने किया है आपको पता है, आपने वेब व्हाट्सएप वेब चालू किया है डेस्कटॉप अपने कंप्यूटर में, तो ठीक है। तो आपको लग रहा है कि ये किसी ने लॉगिन किया है तो आप यहाँ से लॉग आउट करा सकते हो, ठीक है। लॉग आउट करने के लिए लॉग आउट पर क्लिक करना है, ठीक है। ये हो गया लॉग आउट, ठीक है, मतलब सेफ है अभी, ठीक है। उसके बाद और दोस्तों अपने जो मोबाइल का जो ये रहता है IMEI नंबर वो शेयर नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो IMEI नंबर रहता है वो शेयर नहीं करना है किसी के बाद, उसके थ्रू हैकर्स अपना मोबाइल हैक करके व्हाट्सएप भी डाटा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्री वाईफाई यूज़ नहीं करना है, गरज पड़े तो ही यूज़ करना है। उसमें भी हैकर्स के ज़्यादा मतलब ये लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन प्रोटेक्शन कैसे करते हैं व्हाट्सएप में वो दिखा देता हूँ आपको। उसके थ्रू भी आपका व्हाट्सएप का सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो। सेटिंग में जाना है, अकाउंट में जाना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ से मैंने किया है तो डिसेबल करके आप अनेबल डिसेबल रहेगा तो आप अनेबल कर सकते हो, ठीक है। ये अनेबल है मतलब ये डिसेबल दिखा रहा है, यहाँ से चेंज पेन करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका फ़ोन अगर लॉस्ट हो गया तो उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं वो मैंने बताया है दूसरे वीडियो में। तो अगर आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है फाइंड आउट करके भी तो व्हाट्सएप अकाउंट आपको डीएक्टिवेट करना है दोस्तों, ठीक है। दूसरा सिम लेके उसमें दूसरे मोबाइल में डाल के व्हाट्सएप चालू करके वो अकाउंट डिलीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अननोन पर्सन को उस पर क्लिक करके उसको ओपन करके ब्लॉक भी करा सकते हो दोस्तों, ठीक है। कोई भी आपको स्पैमिंग कर रहा है तो उसको ब्लॉक करा सकते हो, ठीक है, ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स। ऐसे आप अपना व्हाट्सएप का सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो। Please subscribe to our channel and click on the bell icon. If you like this video, please do not forget to like and share. Thanks for watching.